एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पे ठीक ठाक होंगे। तो जी, मौसम हो गया बिल्कुल चेंज, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे यहाँ पे। आप लोगों के वहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही वेदर होगा सारे हिली एरियाज़ में, जो हाइट हाइट पे। हमारे भी यहाँ पे हाटू है जो हाईएस्ट पीक पे, तो वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी थी और भी कई जगह पे बर्फ़ पड़ी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड हो गई है। तो अभी की बात करूँ तो मैं आई थी यहाँ पे खेत में राजमा तोड़ने, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ राजमा चित्रा लगाते हैं हम लोग। तो थोड़ा बहुत मैं वीडियो भी बना लूँगी, थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ साथ के साथ, आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि किस तरह के रहते हैं हमारे राजमा, और खोल के भी दिखाऊँगी कि अंदर किस तरह के दाने होते हैं उसमें। और जो होगा पूरा व्लॉग वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए फ्रेंड्स, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी तक आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, आगे भी इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जो जो भी होगा। और हाँ, हमारे फैमिली में एक नया मेंबर भी आया है, तो उससे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं आप लोगों को आज। तो बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आज का व्लॉग। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मेरे ऊपर आपको स्काई दिख रहा होगा, काफ़ी क्लाउडी वेदर है आज का, और अब ऐसी ठंड हो गई है यहाँ पे, बिना आके रह नहीं सकते। तो हमने जो चूल्हा बोलते हैं हम यहाँ पे, वैसे तंदूर भी बोलते हैं, लोहे का बना होता है जो, वो भी हमने लगा दिया है। तो उसका भी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, आजकल काम करने आई हूँ वो कर लेती हूँ, क्योंकि घर में जाके मुझे लंच की प्रिपरेशन भी करनी है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है राजमा जिसे हम तोड़ेंगे कुछ इस तरह की। ये पक चुकी है और मैं हरी वाली भी दिखाती हूँ। तो ये है कुछ इस तरह की, ये चित्रा है मोस्टली, क्योंकि मम्मी यहाँ पे जो चित्रा ही लगाते हैं उनका कहना है कि सबसे टेस्टी दाल इसी की बनती है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी लाइफ में, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी पसंद आ रही है ये वाली दाल। तो ये है, और कैमरा पकड़ के तो मैं शायद फटाफट तोड़ नहीं पाऊँगी, तो अब मैं कैमरा ऑफ़ करती हूँ, आपको दिखाऊँगी बैक कैमरा से थोड़ा सा। और अभी फटाफट से काम कर लेते हैं और चलते हैं, फिर घर पर मिलते हैं आपसे बाद में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, मेरे हाथ में कितने सारे राजमा है, और इसे हम डाल देंगे बैग। तो मैं काफ़ी बड़ा लाई थी, पर राजमा बहुत कम। तो इधर एरिक कर रहा है बहुत ज़्यादा काम, आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी राजमा निकाल दी है इसने। नहीं बोला यहाँ वाली, अब ये आपके बच्चे बच्चे। ये आपका दोस्त है बेटा, दोस्त है आपका, ये आपका दोस्त है, इसका नाम भूल गई मैं, क्या नाम है तेरा, क्या नाम तेरा? तो छिलके निकलने के बाद जो अंदर के दाने रहते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, और काफ़ी डिलीशियस दाल बनती है इसकी। तो आप लोग भी देख लो, और आई एम श्योर सबने ही खाई होगी, जिसने नहीं खाई है तो आप लोग भी ट्राई करना, ये वाली चित्रा राजमा की दाल काफ़ी अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स,
अभी वेदर थोड़ा सनी सा है, इसी के चलते मैं भी थोड़ा धूप में आई थी। और अभी वेदर है थोड़ा सनी सा और मैं भी आई थी धूप में थोड़ी देर। एरिक अभी सो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अपना छोटा मोटा काम निपटा लूँ जब तक वो उठेगा। और आपको मैं आज मिलाती हूँ एक न्यू मेंबर से अपने फैमिली के। तो हेलो से हेलो। तो ये है हमारा नया फैमिली मेंबर जिम। तो डेली डेली गंदी हो जाती है, अभी बहुत छोटा सा है, 1 मंथ का है ये अभी, और बहुत क्यूट है। जिमी जिमू बहुत छोटू सा है अभी, 1 मंथ का है। और कल ही मैंने इसे शैम्पू से नहलाया अच्छे से और आज फिर गंदा हो गया है, गंदा बच्चा। अभी बहुत छोटू है। तो एरिक के पापा लेके आए हैं इसे, बहुत क्यूट है। भूखे जिमी? नहीं खाता बेटू ये, नहीं खाता बाबा। खा नहीं रहा है बेटे, दिख रहा है। तो सैटरडे संडे एरिक की बुआ और इसकी बहनें भी मिलने आए थे इससे, तो उसी की मस्ती दिखा रही हूँ थोड़ी बहुत। काफ़ी इंजॉय किया एरिक ने अपनी बहनों के साथ। छोड़ो चूल्हा, ठंड होगी ना तो चूल्हा लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम का मम धुआं निकला, ये धूप निकलता है। हाँ वैसे तो फ्रेंड्स ये है हमारा चूल्हा। जैसे कि सभी को पता है पहाड़ी इलाकों में जो हाइट वाले इलाके सब जगह पे ठंड स्टार्ट हो गई है बारिश और बर्फ की वजह से, काफ़ी ठंड हो गई है। तो इसी की वजह से हमने भी लगा लिया है ये चूल्हा। तो सर्दी में कुछ इस तरह का सेटअप रहता है हमारे यहाँ पे, और पीछे एरिक के टॉयज ही दिख रहे हैं सारे में। और यहाँ पे देखिए ये लगा है चूल्हा और इसके ऊपर ये बर्तन रखा है, इसमें एरिक के लिए नहाने के लिए पानी गर्म हो जाता है, तो इसी के चलते ये लगाया है हमने। और ये चूल्हा हमारा कुछ तरह का है। तो फ्रेंड्स आग जलने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है, और सामने थोड़ा बहुत कूड़ा भी दिख रहा होगा तो इस चीज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि जहाँ पे लकड़ियाँ होती है वहाँ पे कूड़ा तो पड़ ही जाता है। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।